असां गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नवाबशाह में मौजूदु आहियूं, जिते एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐं हिकु समाजी तंज़ीम तर्फ़ां स्कूल जे ॿारनि जे हवाले सां अदबी, सकाफ़ती ऐं तारीख़ी फेस्टिवल मुनक़द कयो आहे, जेको ॿ ॾींहं फेस्टिवल हलंदो। उन सिलसिले में ज़िले शहीद बेनज़ीर आबाद जे मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जेको आहे सो हिन में शिरकत कई आहे ऐं हिते मुख़्तलिफ़ जेके सकाफ़ती स्टाल लॻाया विया आहिनि, मुख़्तलिफ़ आफ़िसर्स, मुस्तक़िल मासूम ॿार जेके हिन में शरीक थिया आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयो, हिन जो मक़सदु छा आहे। प्रोग्राम जो मकसद बारन के आगाह करणो आ त असांजो कल्चर जेको 5000 साल पुराणो आ उहो केतिरो रिच आ, उन में असांजा सकाफ़ती ऐं सियासी ऐं समाजी जेके शयूं आहिनि जिन खे असां विसारे चुका आहियूं, ही हुन जो रिवाइवल आहे, उन जो सुजागी आहे। त असां पंहिंजे नए नसल खे इन ॻाल्हि खां आगाह कयूं त असांजो कल्चर केतिरो रिच आहे। सबसे बड़ी बात है कि तालीम और मयारी तालीम की अहमियत को आगाह करवाना, और उससे बढ़ के ये कि किताबों में हमारे यहाँ आजकल स्कूल अपने हमारा तालीमी निज़ाम में या इम्तिहान है या निसाब है या किताब है, उसके आगे हम सोचते नहीं हैं। और हमें मालूम है कि हमारी सकाफत, हमारी तख्लीकी काम जो है वो उसका पैमाना बहुत वसी है और बच्चों का दिल भी उसमें लगता है, अलावा सिर्फ निसाब की किताब के और इम्तिहान के। तो एक तरह से ये सामने बताना है, बारगर कराना है कि हमारे यहाँ तालीम जो है वो सिर्फ निसाब की किताब से और इम्तिहान से नहीं होती, उसमें जो तख्लीकी काम है बच्चों को किताबों से मोहब्बत करवाना और अपने ज़रिया अज़हार को तरह तरह से सामने बयान करना, ये उसका मौका है। यहाँ पे इस फेस्टिवल में 12 से 15 जगहों पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पे डिजिटल राइटिंग से लेकर, थिएटर से लेकर, म्यूज़िक से लेकर, कहानी कैसे लिखना है, इलस्ट्रेट कैसे करना है, साइंस कैसे पढ़ना है, ताकि बच्चों का एक शौक़ पैदा हो, ये बुनियादी तौर पे। और मैं समझती हूँ हर स्कूल अपने यहाँ एक बच्चों का अदबी जश्न कर सकता है, और ये इसमें इसका सहरा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाता है, जो इसका मेन स्पॉन्सर है। नवाबशाह की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा इवेंट हुआ है बच्चों के लिए, और इसका हम लोग सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो कि पिछले एक साल से हमें सपोर्ट करी है कि हम लोग सिंध में ये मुख्तलिफ फेस्टिवल करवा सके। मकसद हमारा ये है कि बच्चे अपनी निसाबी सरगर्मियों से हटके, निसाबी किताबों से हटके दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें, जिसमें आर्ट है, स्टोरी टेलिंग सेशंस हैं, पेंटिंग है और म्यूज़िक के डिफरेंट सेशंस हैं। हमारे पास तकरीबन अब तक 8000 बच्चे आ चुके हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास और बच्चे। बहुत अच्छा फेस्टिवल अरेंज किया है और बच्चों की यहाँ पर बहुत सारी हमें अवेयरनेस भी मिल रही है और बच्चों को बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है इन चीज़ों से, और आई थिंक इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। असा की डाडो मजो पे अचे, ई डाडो असा सुठो महसूस के अच्छा डिठो आए थे इते तमाम टेबलो थान आई व्यू एक्टिविटी थियो अन, मतलब सब कुछ थवार पर डाडो मजो पे अचे। ता केड़े स्कूल जायो? हने स्कूल में असा डाडी खुशी था महसूस कयो, डाडो सुठो लगो, एड़ा फेस्टिवल थन खपन। अच्छा डिठो तव असा टेबलोस वगैरह डिठा है ने, इलाही खुशी थी जेके है नो डिठा है ने, स्टॉल वगैरह सब सुठी हुई, हर कैं पी जगह होंगी छो जो अस एक कल्चरल सॉन्ग से टेबलो किया दस वाय ड्रेस आई है कें पाती है कि मैं खबर है ताके आई डोंट नो नो वो ता अच्छा ते परफॉर्मेंस गई है केड़े मोर तो टुल्ले राणा ते अच्छा वो ता केड़े किस क्लास में पढ़ा है मैट्रिक में हाई स्कूल में आज जो कोई फेस्टिवल थे पे उन्हें ता अच्छा चंदो फेस्टिवल में साथ डाडो एंजॉय कयो आ, डाडी सुठी अरेंजमेंट टीम कई आ, टीम वर्क सा जारे टीम वर्क जो को अरेंजमेंट थींदी आ वो हमेशा सुठी ही थींदी आ। डाडो मजो तो अचे आ, एंजॉय कयो आ, शो डिठो आई ए डे अंदर डिठो असा बहुत एंजॉय दा कयो एंड बहुत खुशी थी असा के पढ़ाई असा करे डा फकिन हो जण खपन। हां यस बहुत अच्छी काविश है CLF की, डिफरेंट शहरों में जा रहे हैं, डिफरेंट इलाके के बच्चों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं कि हम सबको किताबें चाहिए, पढ़ना है। बेसिक मकसद हम लोगों का ये कि हमें पढ़ाई आम करनी है, हम लोग स्कूल की किताबें तो पढ़ लेते हैं उसके अलावा नहीं पढ़ते हैं, तो एक अच्छा बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए कि उनको नया सीखने को मिल रहा है।
इते डाडो भलो जी असा इते बाहरी दुनिया के सुदा असा भी वडा थीन एड़ा थिंदा सी छा छा डठो आ तो ता सा डांस प्रोग्राम कौमी तराना ये सब कुछ असा इते डाडो कुछ डठो आ जको सा किथे बिना डठो यो पहली मर्तबा सुपर अमेजिंग फेस्टिवल थवा मा ते डाडो डठो आ मखे ते डाडो मजो बचे सबन सुठो के प्रोग्राम इट इज वेरी गुड प्रोग्राम हम स्कूल में आए माशाल्लाह अच्छी यानी मैं वो करी हुई है खुशी बना रहे हैं स्कूल में और इसलिए हम स्कूल में आए आज बहुत खुशी बनाई जा रही है स्कूल में ए दोस्त मिले तो एक पयाम देना उस्ताद महतरम को मेरा सलाम कहना इतनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे इन वक्त अस डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीर आबाद मोहम्मद नोमान सिद्दीक साहब मौजूद है उनका पुछंदी तो ये जो बिन दिन जो फेस्टिवल लगो आज जो अदबी भी कल्चरली भी हिस्टोरिकल उन लेकिन ये यहाँ पे USAID के ताउन से यहाँ पे जो फेस्टिवल लगाया गया है अभी हमने देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे बच्चों को और बच्चे बड़े शौक के साथ और बड़े जज्बे के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये एक अच्छी और एक हेल्दी एक्टिविटी है तो आई होप कि इस तरह के फेस्टिवल और लगते रहें ताकि बच्चों को मौका मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बच्चे अपने टैलेंट का इजहार कर सकें और एक हेल्दी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकें और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ नवाबशाह के बच्चे नहीं हैं बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारे गर्ल्स हमारे जो स्कूल हैं जो देहातों के अंदर हैं वहाँ से भी बच्चियाँ आई हुई हैं अभी तो मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पर आप थोड़ी देर तक देखेंगे कि गर्ल्स जो रूरल एरियाज़ के स्कूल्स में वो भी अभी थोड़ी देर में पहुँचना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे शागिर्दन जो इतने इंतजामिया जो गाल बुजुन जो चवण है इन फेस्टिवल से बार में उत्साह पेशा पैदा थो तलीम से गड़ो गड अड़ी एक्टिविटी होजन खपन तो जो बार जैसे उनमें दिलचस्पी दियन इन में जो से तारीखी सकाफती शू रखी व्यून तो जो उन बार तारीख के सकाफत के हवाले से बुधा सकते जैमें शाह सचल स्वामी जो तकियो आ मारिय की जी माग आया खोड़ सर अड़ी शूं जैमें स्टॉल्स लगाया वह रूम्स में क्या जैसे इतने प्रोग्राम भी हली रो जैमें मुख्तलिफ़ खाका पेश क्या था वन कैमरामैन रफाकत आरई से गुजुल्फ़ार खास कैली सिंध टीवी न्यूज़ नवाबशाह।